हेलो, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं तेज पढ़ाई चैनल को। सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं। मिलते हैं इस क्वेश्चन से। टेन ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री है और टेन ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री है। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की, तो देखते हैं ए एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। टेन की वैल्यू को हम सीधे लिखेंगे टेन ए माइनस बी, और हमको मालूम है रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है। वन अपॉन रूट थ्री टेन 30 डिग्री, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा तो a माइनस बी कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए फटाफट। उसके बाद टेन a प्लस बी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन a प्लस बी। यहाँ पर रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 60, तो यहाँ पर डाल देंगे 60, तो टेन 60 डिग्री। इससे 10 से 10 कैंसिल, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में एक साथ लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है और ए माइनस बी इक्वल टू कितनी है 30 डिग्री है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट देखें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2a, और ये प्लस होकर कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से a कितना आ गया 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में, तो हमको क्या मिलेगा वी गेट a माइनस बी इक्वल्स टू कितना है 30। यहाँ पर लिख देंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, a कितना है 45 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपको मालूम 45 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 15 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा माइनस का b। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बी और ए हमारा आपके सामने है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करे बिना बिल्कुल भी ना जाइए, ज़रूर दबाइए उसको, क्योंकि वहाँ से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नए क्वेश्चन करेंगे जो आते हैं पेपर में, फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे।